हाल ही में लागू हुए हिट एंड रन कानून ने ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के देशव्यापी हड़ताल को जन्म दे दिया, जिसके चलते ट्रक और टैंकर ड्राइवर्स का 3 दिन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसने देश के कई हिस्सों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की समस्या भी देखने को मिली। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस और सरकार के बीच मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया गया। हिट एंड रन मामलों को सड़क दुर्घटनाओं के रूप में जाना जाता है, जहां एक चालक किसी वाहन या मनुष्य को टक्कर मारने के बाद भाग जाता है, बिना पीड़ित की मदद के रुकने और पुलिस को घटना की सूचना दिए। पहले भारतीय दंड संहिता के तहत हिट एंड रन कानून के लिए सजा 2 साल तक की जेल की सजा थी। अक्सर आरोपी जमानत के साथ छूट जाता था। हालांकि इस तरह के मामलों की संख्या को कम करने के लिए अब कानून सख्त किया गया है। आइए जानते हैं नया हिट एंड रन कानून क्या है। पिछले साल केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट एंड रन कानून पारित किया था। ऐसे सड़क दुर्घटना मामलों पर यह विशिष्ट नियम कहता है कि अगर चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। नए नियम निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होते हैं। विरोध कर रहे ट्रक चालकों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान बहुत सख्त हैं और उन्हें नरम किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के अनुसार पूरे भारत में हर साल लगभग 50,000 लोग हिट एंड रन मामलों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों की मदद के अभाव में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राज्यों में पुलिस अधिकारी अच्छे नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो ऐसे मामलों की रिपोर्ट करते हैं, जिससे पीड़ितों की जान बचाने में मदद मिली है। पुलिस को सूचित करने से घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि नया कानून और इसके सख्त प्रावधान हिट एंड रन मामलों में शामिल लोगों के मन में डर पैदा कर उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। हालांकि ऐसे मामलों में आरोपी को उस समय नरमी दिखाई जाएगी जब वे पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी देखभाल करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ट्रक ड्राइवर नए हिट एंड रन नियम का विरोध कर रहे हैं। ट्रक चालकों को बस, टैक्सी और ऑटो चालकों का भी समर्थन हासिल है। विरोध कर रहे ड्राइवरों का तर्क है कि अगर वे ऐसे हादसों के बाद रुकेंगे तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है। अक्सर सड़क दुर्घटना होने पर मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो जाती है और ड्राइवर पर हमला कर देती है। भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। हालांकि इसके बजाय ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 304A का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है।